टोटल जिले में खास तौर से सोमनाथ जी के दक्षिण में सरकार ने माना है, लिखित रूप से माना है कि 269 विलेज अफेक्टेड हैं और जिसमें 150 गांव पूरी तरह से अफेक्टेड हैं। और की जो नहीं हो पाता। है ताकत लगा पड़ला साहब, अच्छा, और ऐसे जो यहाँ टच करते हैं नीचे, आपने ताकत लगा पड़ला, परिश्रम करला पड़ला। किसको दिखाया था? रावतगंज बस वही जब लोड ही दिखाए थे साहब, आ रहे थे रापड़ में। में डॉक्टर क्या बोला? अरे वही कहा थे खून तुम्हारा कायदे से नहीं है, खून और हड्डी ठीक नहीं है और पानी की जो है प्रभाव है, हैं? और पानी गर्म करके पियो, चक्कर हम लोग गर्म करके पिए हैं, हम पी रहे हैं लेकिन बच्चों लोग वही है पीते खाते सब परेशान है। वो दवा चलता है तो तन मनी थोड़ा दर्द कम कर होता है और दवा खत्म होता है तो साला फिर है। तो वो फ्री में मिलता है? हाँ नहीं नहीं तो फ्री में कहीं नहीं, वो दो चार तो देंगे फ्री में दवा, उसके बाद क्या कहें पर्ची लिख देते हैं, जाइए प्राइवेट से ले लीजिए। हाँ तो यहाँ जानते हैं गरीब आदमी खुद है तो पैसा रहेगा तब ना जाएंगे प्राइवेट में, वो दर्द का दवा दे देंगे, एक आटे सीसी दे देंगे, सजा नहीं देगा, सो गए फ्री। और आप जब बनारस गए थे दिखाने के लिए, कहाँ बनारस में दिखाया था आपने? ग्लोबिन हॉस्पिटल। ग्लोबिन जी, अच्छा, तो वहाँ डॉक्टर ने क्या बताया? वो डॉक्टर ने बताया कि खून जम गया है, पूरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करना पड़ेगा? जी। कहाँ ऑपरेशन करना पड़ेगा? वहीं पे हो जाएगा, पैसा बहुत लग रहा था। कितना कितना मांगे? 7 लाख मांगे। 7 लाख? कहा ठीक हो जाओगे? बिल्कुल बोले तो ठीक हो जाओगे। अब सर 15 साल 20 साल से दिक्कत है, लेकिन अब हम लोग इससे पहले जब हम लोग के जो बुजुर्ग थे तो उन लोग तो ठीक थे, अब इसके बाद जब हम लोग को हुआ तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। कब हुआ आप लोग को पहली बार? कब हुआ ये? ये हम लोग के लगभग मान लीजिए 85-90 के लमसम में। अच्छा, दिक्कत आदमी के धीरे धीरे महसूस होने लगा। तो उस वक्त कोई ऐसा बदलाव आया था, मतलब पीने के पानी में पहले कुआं से लेते थे? क्या बात हुआ था, ये जो नाला भर है ना, इसी के आदमी नाले से पानी पीता था, नाले से खोद खोद करके गेहड़ा बहेड़ा बना करके। खोद क्या समझानी, कैसे? मतलब जिसे इसे खोद दिए इस मिट्टी में और उसी पानी को पीने लगे, वही पानी पीते थे। 85-90 में एक चंपा का लिखी जंग ऊंचा पर गड़ा था, 90 के लमसम में वही पानी पीने से कुछ आदमी का अवसर बुझाने लगा। अच्छा, हाँ, तो 2-4-10 साल एक थे सरजुनू हमारे यहाँ चाचा, तो उनको दवा कराते कराते दूध लड़के के चले गए अस्पताल में, हाथ चोपन, तो सरकारी अस्पताल में जब गए तो वहाँ उन लोग डॉक्टर लोग बोले कि कैसे कैसे आप लोग कैसे कैसे हो रहा है। बोले सर हम लोग के समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग आजकल चंपा का 2-4-5 साल पहले गड़ाए उसी पी रहे पानी और देख रहे हैं कि सबका कोई के गोड़ कोई के हाथ टेढ़ा होता जा रहा है और दर्द बहुत तेज करता है, इतना अंधारे उठेंगे तो उठ के रेंग नहीं पाएंगे। हमारे गांव में सरकार के तरफ से स्कीम कुछ नहीं आया है, पर साल DM साहब आए हुए थे कुवार कार्तिक में, SDM साहब भी आए थे, कमिश्नर साहब भी आए थे, लेकिन हम लोग मांग किए थे पानी के लिए कि हम लोग एक टंकी वाला पानी मतलब टंकर कहीं बैठा करके दे दिया जाए, सप्लाई से हम लोग पानी पियेंगे और कम से कम बिजली के साधन हो जाए गाँव में। तो कुछ फिलहाल पानी कहाँ से पी रहे हैं आप लोग? वही चंपा कल बताया ना, एक चंपा कल ठीक है पानी उसका? नहीं पानी ठीक नहीं है, और एक चंपा कल वहाँ है अपने दूरा पर, एक चंपा कल। आपको ऐसे पता पानी ठीक नहीं टेस्ट हुआ था उसका? नहीं टेस्ट नहीं, मतलब उन्हीं लोग चेक करके ले गए थे बोतल में, तो उन लोग कहे पानी खराब है। खराब बताया था उन्होंने? हाँ खराब बताया, फिर भी पानी पीते हैं उसका? अब मजबूरी है सर, क्या किया जाए। अच्छा सर, बाहर जो बोर्ड लगी थी फ्लोरोसिस का वो योजना, वो सब वो क्या? वो योजना क्या था कि चंपा कल में बैठाया गया था वो टंकी, अच्छा, चंपा कल में एक नल लगाया गया था और इतना ऊपरी लेवल थे उसमें दवा डाला गया था। अच्छा, उसको कामयाब नहीं है, अगर एक मात्र 15-20 दिन आपको ठीक रहेगा ऐसी बात खराब हो जाएगा। अच्छा, फिर उसको कोई ठीक नहीं कराएगा? ठीक नहीं कराएगा। और ग्राम प्रधान की तरफ से कुछ होता है कार्यक्रम? ग्राम प्रधान से अभी तक तो कोई कार्यक्रम नहीं, कुछ नहीं होता, कोई कार्यक्रम नहीं। अच्छा, यहाँ के आदमी चलना फिरना बोलना हर कुछ स्थिति से खराब है। अच्छा, हाँ, तो आप लोगों ने कभी ग्राम प्रधान से बात की इस बारे में कि आप बात को? ग्राम प्रधान से विषय में बात की तो कहे कि हमारे बस की चीज नहीं है, हम नहीं इसमें कुछ कर पाएंगे, हमारे यहाँ जो योजना आएगा हम वही करेंगे। यहाँ पर जो शुरू में 1976 और इसके आसपास जो दिखता था वो ये दिखता था कि कुछ निश्चित सोर्स है जहाँ पे जो उसका पानी लोग जो पी रहे हैं वो इफेक्टेड हो रहे हैं, तो वो उस पानी को छोड़ देते थे। लेकिन आज जो समस्या है वो यहाँ के हर कुएं का, हर हैंड पंप में, और इसी तरह जो है कि जो सरफेस वाटर है, जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं उसका जो पानी है उसमें भी फ्लोराइड मिलता है, और इसलिए इसकी जो प्रॉब्लम है हर एक इंसान को, चाहे उसका स्केलेटन में प्रॉब्लम दिखाई ना दे रहा हो
लेकिन हर कोई एक फैटिगनेस और एक मसल्स में जो टेंशन है वो प्रॉब्लम्स को हर व्यक्ति छोटे से बच्चे से लेके बड़े लोग तक फेस कर। सरकार का तर्क है जो पहले देते थे कि ये ग्राउंड वाटर में है और यही हमको शिक्षा दी जाती थी कि ग्राउंड वाटर में से क्या पी सकता है शुद्ध पानी। लेकिन अभी जब एनजीटी की टीम आई कोर कमेटी की उसके अध्ययन से और मेरा जो मैंने गांव में अध्ययन किया और जो लगातार कि हम मानते हैं कि फ्लोरोसिस ग्राउंड में भी है, लेकिन अगर वो तालाब में पाया जाता है, नदी में पाया जाता है, बंधे में पाया जाता है तो वो निश्चित है कि ऊपर से आ रहा है और ये उद्योगों का देन है। मेन दिक्कत वो पानी में उनका जो दूषित चीज है जो जमीन में वो छोड़ दे रहा है, कहीं उनको हटाना चाहिए या उसको सही करना चाहिए, सही ना करके वो जमीन में छोड़ दे रहा है, उसी का प्रभाव है कि फ्लोरोसिस बढ़ रहा है, पानी में फ्लोरोसिस का मात्रा बढ़ रहा है। अच्छा। जिससे लोग तबाह।